शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नाजुक मौके पर एक नई लड़की को कहां से हाजिर किया जाए? अरे हाँ, आप एक काम कीजिए, दानियाल सेठ को फोन करें, आजकल नीना उनके बहुत असर में है, अगर वो चाहेंगे तो जरूर आ जाएगी। दानियाल को फोन करूं? जी। अच्छा जिमी, दानियाल प्लीज। हेलो, कौन है? नमस्ते दानियाल जी। आप, तुम्हारे सेट का टेलीफोन। हेलो रंजीत राय, कैसे मजा रहे हैं? भाई क्या कहूँ, वो आपकी नीना हमें बहुत सता रही है। आज भी कैला भेजा है कि थिएटर नहीं आऊंगी, जरा मेहरबानी कीजिए। बस इतनी सी बात है? इसीलिए तो आपको तकलीफ दी। हाँ भेज देता हूँ, और कोई नई बात? बस मेहरबानी है आपकी, मेरा तो ख्याल था कि आप कहीं दौरे पर गए होंगे, आज मद्रास तो कल दिल्ली, आप अक्सर बाहर ही रहते हैं। हाँ एक जरूरी काम से रुक गया हूँ, कल जा रहा हूँ। पर हाँ सुनिए, आपने हमसे लेन देन बंद कर दिया है, लेकिन हम दोस्ती निभा रहे हैं। अजी लेन देन तो फिर शुरू हो जाएगा दानियाल जी। अच्छा ये तो बताइए, नीना आ रही है? एक मिनट, मैंने कहा था ना उनका टेलीफोन आएगा, हमारे उस पर बहुत सा एहसानात है। जी मैं जानती हूँ, और पार्टी भी अच्छी है, कभी ना कभी काम आएगी।
मेरे ख्याल से तुम थिएटर चली जाओ। जैसा आप कहें। रंजीत राय जी, आप इतना रखिए, नीना आपके पास पहुंच रही है। बड़ी मेहरबानी। जाओ, नीना आ रही है। और सुनो, हमारी वेटिंग लिस्ट में जो वो लड़की, उसका क्या नाम? सरोज। सरोज, उसे तार देकर फॉर्म बुला लो। बहुत अच्छा। कौन है? तार आपका। नन्नी, मुझे काम मिल गया। अच्छा, अरे पर बता तो सही, कहाँ काम मिल गया? उसी खेत में जहाँ मुझे पहले बुलाया था। अच्छा अच्छा, जहाँ तेरे पिताजी ने जाने से मना कर दिया। हाँ हाँ, उनको तेरा थिएटर में काम करना पसंद नहीं था ना बेटी। क्यों माँ, क्या तुम्हें भी पसंद नहीं कि मैं थिएटर में काम करूँ? नहीं बेटी, सबकी बात और थी। तेरे पिताजी जिंदा थे, लेकिन अब। लेकिन माँ, पिताजी ने तो दीदी को इसीलिए डांस सिखाया था, कभी जरूरत पड़े तो काम आ जाए। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन सरोज को अकेली इतनी दूर भेजना मेरा दिल नहीं मानता। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊंगी। लेकिन मेरी आंखों से दूर तो रहोगी, फिर हम भी दीदी के साथ चले माँ। अभी कैसे जाएंगे माँ, पहले कोई मकान का बंदोबस्त होना चाहिए। माँ, मैं वहां जाते ही सबसे पहले मकान का बंदोबस्त करूंगी। क्या सोच रही हूँ माँ, जाने दो ना। देखो, यहाँ हमारे हालत ठीक नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। नन्नी भी स्कूल नहीं जा सकती। मैं काम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। जाने दो ना मोर दीदी को। अच्छा बेटी, जाओ, और वहां जाते ही हम सबको जल्दी बुला लो। हाँ माँ, मैं जाती ही तुम सबको बुला लूंगी। मैंने रोकी थी। माफ कीजिए, मुझे जरूरी काम है। आप भी माफ कीजिए, मुझे भी जरूरी काम है। मैं कहती हूँ आप उतर जाइए। मैं कहता हूँ आप उतर जाइए। पैसों को सड़ी हुई गल सुनो, टैक्सी खाली है। Thank you.
रास्ते में तेरे कब से है खड़े अजी, ले लो सलाम गरीबों का। रास्ते में तेरे कब से है खड़े अजी, ले लो सलाम गरीबों का। रास्ते में तेरे गलियों में घूमते थे हम बेकरार से, मिल जाओगे कहीं तो चलते फिरते प्यार से। गलियों में घूमते थे हम बेकरार से, मिल जाओगे कहीं तो चलते फिरते प्यार से। मिल ही गए हो तो खुल के मिलो, दिल तोड़ न दो मोड़ न लो प्यारे, मिलो सलाम गरीब। रास्ते में तेरे कब से है खड़े अजी, ले लो सलाम गरीबों का। रास्ते में तेरे लेते आप जो अफसाना मेरे हाल का, सुलझाना छोड़ देते उलझे से बाल का। सुन लेते आप जो अफसाना मेरे हाल का, हाँ हाँ तुम्हें नहीं फुर्सत मगर, ले जाए किधर हसरत की नजर प्यारे, ले लो सलाम गरीबों का। रखते में तेरे कब से है खड़े अजी, ले लो सलाम गरीबों का। रखते में तेरे हैं तेज से दीवाने सूरत आपकी। अब तक जो हम खड़े हैं चाहत आपकी, लगते हैं तेज से दीवाने सूरत आपकी। कब तक यूं ही कोई देखा करे, अब हाथ मेरे थकने भी लगे प्यारे, ले लो सलाम गरीबों का। रखते में तेरे कब से है खड़े अजी, ले लो सलाम गरीबों का। रखते में तेरे हुआ करेंगे।
अच्छा आपको मेरी हंसी लागवार गुजर रही है, है? आप चाहती है कि मैं टेलीफोन रख दूं? अच्छी बात है, रख देता हूँ। ओके आप? मैं क्या नहीं हो सकता? जी नहीं, जी हाँ जी हाँ, हो सकते हैं। बैठिए। माफ कीजिएगा, मुझे ख्याल नहीं रहा कि आप कमरे में, आपने मेरी बातें तो नहीं सुनी? जी मैंने तो सुनी, मगर उस लड़की ने नहीं सुनी जिससे आप फोन कर रहे थे। क्या मतलब? देखिए फोन का कनेक्शन निकला हुआ है। I'm sorry, कनेक्शन निकल गया। I'm sorry, कभी कभी निकल जाता है। हाँ तो आप क्या कह रहे हैं? आप बड़े साहब आ गए। ओ अंदर आने दो, अंदर आने दो। नमस्ते। नमस्ते बैठ। मैंने पहचान लिया। बैठी बैठी। हाँ तो आप कब आए? कल रात। कहाँ ठहरी? एयरलाइंस होटल में। वहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? जी नहीं। ठीक है तो आप थोड़े दिन वहीं रहिए, उसके बाद हम आपका दूसरा इंतजाम कर देंगे। मैं होटल के मैनेजर से कह दूंगा, वो मेरा दोस्त है, आपका ख्याल रखे। शुक्रिया। ये आपका है? जी नहीं, अभी एक साहब यहाँ बैठे थे, उनका होगा। जी साहब। अभी यहाँ कौन आया था? अजीत साहब आए थे। अजीत यहाँ क्या करने आया था? मालूम नहीं साहब। अभी यही है कि गया? देखता हूँ। बाहर हो तो बुलाओ। अच्छा ये जी साहब कौन है? मेरा छोटा भाई है, इंजीनियरिंग पास कर चुका है, इतना बड़ा हो गया है मगर अभी बचपना नहीं गया, सुबह से शाम तक शरारतें करता रहता है। वो तो बहुत सुंदर है, आप हीरो क्यों नहीं बनाते उन्हें? आप कैसे जानती हैं उसे? जी जानती नहीं, ऐसे ही एक नजर देखा था, अभी यहाँ बैठे थे ना। ओ मैं उसे स्टेज से दूर रखना चाहता हूँ, पिताजी की ख्वाहिश थी कि वो इंजीनियर बने, सो वो बन गया। आप यहाँ क्या करने आए? जी बात दरअसल ये थी कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपसे मिलता चलूँ, शायद कोई काम। काम आप घर में तो पूछते नहीं, यहाँ बहुत ख्याल है, महज बहानेबाजी। तुम्हें मना किया गया है कि थिएटर के चक्कर मत लगाया करो, मगर तुम नहीं मानते। भाई साहब एक बात कहो, यहाँ लड़की बैठी है। लड़की बैठी है तो क्या वो इनके सामने न डालिए अपनी पोजीशन खराब होती है। अच्छा तो आपकी पोजीशन भी हो गई? जाइए जी, तशरीफ ले जाइए, आप करो मान। थैंक यू। सुनिए। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। देखा आपने कितना शरीफ। जी बहुत दिलचस्प मालूम होते हैं। आपने तो सारा क्लाइमेक्स सत्यानाश कर दिया। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। चुप क्वेश्चन के बच्चे। भैया आज ड्राइवर बीमार है, मेरे साथ चलोगे? कहाँ? मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है। भाभी न जाने औरतों को ये क्या बीमारी है कि जब देखो कपड़ा खरीदना है, कपड़ा खरीदना है। अरे अलमारी में जो कपड़े रखे हैं उनको तो पहले आप पहन के फाड़ दीजिए। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब पूछूंगी। कब होगी भाभी? चुप मत करा, चलो ना। भाभी आज अपना बोल नहीं है, ये काम कल परसों रहा। उठते हो ये कान पकड़ कर उठो। भैया का टेलीफोन आया, जल्दी जाइए। हेलो जी, ड्राइवर नहीं आया, बीमार है, सुबह उसका भाई आकर कह गया था। जी आपके जाने के बाद किसे लाना है? सरोज को।
नहीं ठहरिए, तुम्हारे भाई साहब का कहते हैं ड्राइवर को भेज दो सरोज को लाना। उनसे कह दीजिए कि मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। तुम जाओगे? भाभी मैं भला आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन भैया समझ गए जी, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करती हूँ। मेरे बदमाश, जब मैंने कहा था तब तेरा मूड नहीं था, अब कैसे जाएगा? अरे भाभी ये तो कंपनी का मामला है, अगर सरोज थिएटर न गई तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। लो ये तुम किताब पढ़ो, मैं भी आया। मैं सब समझती आई है, मैं भी आती हूँ। दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमेशा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अरे हुजूर आप ये भूल गई कि झूठ की भी दो किस्में होती है, एक झूठ वो होता है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बोला जाए, और दूसरा झूठ वो होता है जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसे झूठ को मासूम झूठ कहते हैं। ऐसे झूठ तो आप हमेशा बोलते होंगे। हमेशा नहीं, कभी कभी मौका देखकर। कैसे मौका? अब जैसे उस दिन की बात है, मैं टेलीफोन पर बोल रहा वो झूठ ही था। अच्छा तो वो झूठ था? नहीं तो आपके सच में बैठी? जी हाँ, मैंने सोचा आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। उस वक्त तक तो नहीं थी। तो आप कोई है? हाँ। कैसी है वो? आप देखेंगे उसे, शर्माएंगी तो नहीं? ये लीजिए देखिए। नमस्ते। सरोज कहाँ मिल गई आपको? जी बात दरअसल ये थी कि ड्राइवर बीमार था तो भाभी ने कहा कि सरोज थिएटर छोड़। भाभी ने कहा था? जी हाँ, आप घर जाके पूछ लीजिए। ठीक है, तुम घर जाओ, आप रिहर्सल रूम में जाइए। आखिर नई हीरोइन है, पब्लिक कभी जानती नहीं। तुम्हें मालूम है कि लोग आजकल नाम के पीछे दौड़ते हैं। जी मालूम है। मैं चाहता हूँ इस लड़की सरोज की पब्लिसिटी ऐसे नए ढंग से हो कि लोग पढ़कर दीवाने हो जाएं। ये जरूर हो जाएंगे। और देखो जितने हिंदी उर्दू अंग्रेजी अखबार हैं सबको पब्लिसिटी देना। जी दे दूंगा, ये ख्याल भी आपका ठीक है? ख्याल तो मेरे सभी ठीक हैं, अगर तुमने सही तौर पर काम अंजाम न दिया तो सब चौपट हो जाएगा। ये जरूर चौपट हो जाएगा। है जी नहीं, आप देखिए मैं सब काम इस खूबी से करूंगा कि लड़की एक ही रात में टॉप की हीरोइन हो जाएगी। स्टार ओवर नाइट। वेरी गुड, ले जा। ले जाऊंगा।
सरकारी हैरानियों का सिलसिला खत्म भी होगा जब भी मिलिए आप। अरे साहब, अब तो हमारी आपकी मुलाकात पुरानी हो चुकी है। अच्छा फरमाइए, कैसे तकलीफ की? मैंने सोचा आप अकेली बैठी होंगी, कुछ मैं भी बातें कर लूं। बहुत जल्दी की है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अगर आपकी नजरें इनायत रहे तो देखिए मैं क्या क्या कमाल दिखलाता हूँ। हाँ। ये दावा है? सिर्फ जबानी नहीं, अगर आप कहिए तो इस मकान की छत पर से कूद पड़ो। जरूर। ये बहुत ऊंचा है, जरा आसान काम बताइए ना। अच्छा एक काम कीजिए, मेरे साथ स्टेज पे आइए। स्टेज पे? मैं समझ गई, बाहर चाहिए। नहीं तो आपकी पोजीशन खराब हो जाएगी। मैं समझ गया, जाइए बाहर से नहीं, यहाँ। सुनिए, जाइए। अच्छा मेरी जान, तुम भी क्या याद करोगी कि किसी से पाला पड़ा था? जी आपने कुछ मुझसे कहा? आपसे? तारों की परछाइयाँ
दिल पे डालती तारों की परछाइयां, झांकी चंदा आसमान से छेड़े हमको जान जान के, ऐसे मीठू हम यहीं पर खो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। ओ लहरें डोले झूम झूम के, साहिल का मुंह चूम चूम के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। आज आपने बहुत देर कर दी। अजीत आया? जी अभी नहीं। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इसलिए कि तुमने उसे सर चढ़ा रखा है, तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसका सत्यानाश कर दिया। कुछ कहिए भी तो, आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि वो बदतमीज हो गया, निडर और बेहुदा हो गया। उसकी आंख में छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं रहा। ओहो कुछ बताइए तो। जितना मैं उसे थिएटर से दूर रखना चाहता हूँ उतना ही वो उसके करीब जाता है। आज उसने स्टेज पर काम किया। तौबा तौबा, मैं भी कहूँ क्या गजब हो गया। तुम्हारे नजदीक से कोई बात ही नहीं, तुमने उसे खराब किया। किसी को गोली तो नहीं मार दी? बड़ा भाई अगर थिएटर का मालिक है तो छोटे के लिए काम करने में क्या ऐब है? आने दो आज, मैं उससे खुद बात करूंगा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि वो उस लड़की सरोज के चक्कर में। आप तो यूं ही मैल का बैल बना देते हैं। आप कुछ मत कहिए, मैं खुद उसे समझा दूंगी। लड़का जब बराबर का हो जाए तो सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अजीत उठा सोके? जी अभी नहीं। उठे तो मुझे बताना। आपको तो एक बात की रट लगती है तो लगी ही रहती है। कहा था ना कि मैं खुद बात करूंगी, आप कुछ ना कहिए। जब मैं कुछ कहना चाहता हूं तो तुम आड़े आ जाती हो, कुछ कहने ही नहीं देती। मगर मैं इस मामले में चुप नहीं रहूंगा। मैं क्या कहना चाहता हूं ये तुम नहीं समझ रहे। मैं इसका फैसला दूसरी तरह से करूंगा। जो आपका जी चाहता है कीजिए। चले दीजिए। बांध के लिए जितना जिम्मेदार अजीत है उतने ही तुम हो। ताली दोनों हाथ से बजती। मैं ये मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं कि तुमने कभी अजीत को कोई शय नहीं दी। क्या ये मेरा ख्याल ठीक नहीं कि तुम अजीत में दिलचस्पी लेने लगे? जी आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। ऐसी सूरत में क्या तुम्हारा इस थिएटर में काम करना मुनासिब होगा? तुम जानती हो मैं शहर का इज्जतदार आदमी। सेठ जी, मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जिससे आपकी बेइज्जती हो। यकीनन तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया, मगर मैं नहीं चाहता कि अजीत और तुम एक दूसरे के इतने करीब आओ। मैं ये नहीं कहता कि तुम अजीत के काबिल नहीं। मैं पुराने ख्याल का आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए अजीत को तुमसे दूर रखना चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी खराब ना हो। मैं समझती हूँ। ठीक, अब तुम्हारे आने से जो सूरत पैदा होगी मेरे ख्याल में उसे भी समझ। घबराइए मत, मैं ऐसी लड़की नहीं। आपके भाई को आपसे नहीं छीनूंगी। मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ कोई जाति नहीं करना चाहता। तुम एक अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी कलाकार। मैं तुम्हें एक खत देता हूँ, तुम नागपुर चली जाओ। वसंत थिएटर्स का मालिक मेरा दोस्त है, वो तुम्हें जरूर काम देगा।
यहाँ आओ। आने दो। गुड मॉर्निंग मिस्टर डेनियल। गुड मॉर्निंग मिस्टर ले। कम इन। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू थैंक यू। मिस्टर वांग ने आपको प्रेजेंट दिया है। हाँ हम समझा। ये मिस्टर वॉन्ग को हमारी तरफ से प्रेजेंट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिस्टर वॉन्ग आपको कल मिलने को आएगा? नहीं 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 कल नहीं, आज मैं नागपुर जा रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। अबे सरोज है वो तो थिएटर छोड़ के चली गई साहब। तो चली गई? हाँ कहाँ? प्रसन्न थिएटर नागपुर। क्यों? उन्हें बड़े साहब ने भिजवा दिया। अच्छा तो आप वहाँ लैला का रोल अदा करके आ रही हैं? जी नहीं, स्टेज पे मैंने कभी लैला का काम नहीं किया। हाँ मैं स्टेज की बात नहीं कर रहा मैडम, मैं जीवन नाटक की बात कर रहा हूँ। रंजीत राय का छोटा भाई मजनू बना हुआ था या नहीं? क्यों, लड़का खूबसूरत है ना? मुझे नहीं मालूम। झूठी कहीं की, वहाँ तो खूब घुल मिल के बातें होती होंगी, यहाँ कैसे मुझे मालूम नहीं। क्यों कहाँ मिला करते? नदी किनारे ना। फिर खामोश हो गई? मैं पूछता हूँ लगन अभी तक है या खत्म हो गई? मुझे नहीं मालूम। मालूम सब है मगर इनकार किए जाती है। देखो यहाँ वो चक्कर और करना चलाना इसी शर्त में नौकर रखा जाता है। बैठो, कल से काम पर आ जाना। जाओ। सुनो कहाँ ठहरी हो? कहीं नहीं, सामान स्टेशन पे रखा है। बैठ जाओ, तुम्हारे ठहरने का इंतजाम एक लड़कियों को हॉस्टल में किए देता हूँ। जाओ सामान लेकर आओ। सुनो, आए बैठ क्यों गई? कान खोल कर सुन लो, यहाँ कोई नया चक्कर वक्कर न चलाना, समझी? जाओ आए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा राज, नमस्कार। नमस्कार। ओ तुम हो? ले आया हूँ। कितने? पूरे 50,000। माल पहुंच जाएगा। नमस्ते। ये नई पार्टी भरोसे वाली है? हाँ बिल्कुल भरोसे, बहुत बड़ी पार्टी, बुकिंग का सारा धंधा इन्हीं के आते हैं। तुमने सेठ चुनीलाल को बुलवाया? सेठ चुनीलाल जी आने से इनकार करते हैं। इनकार करते? क्यों? कहते हैं आज तक तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाते रहे, मुझे धोखा देकर अपना माल मेरी मार्फत इधर से उधर करते रहे, अब मुझे तुम्हारे धंधे का पता चल गया है, मैं तुमसे कोई वास्ता रखना नहीं चाहता। उसे पता कैसे चला? मालूम नहीं साहब, सेठ चुनीलाल जी को रोकना चाहिए, वो हमारे खिलाफ बातें करने लगे। कहते हैं कि मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। जा जा मैं बात करूंगा। हेलो, मैं चुनीलाल बोल रहा हूँ। चुनीलाल जी, सुना है आजकल आप हमसे कुछ नाराज हैं और इधर उधर आप हमारी बुराई करते फिरते हैं। कौन? डैनियल? हाँ चुनीलाल जी, मैं शरीफ के साथ तो शरीफ हूँ और बदमाश के साथ बदमाश। अरे तुम तो शरीफ के साथ भी बदमाश हो, तुम्हारी तरह चुनीलाल के नुतवे में खराबी नहीं, जो दिल में होता है वही जबान पे होता है। हमें जबान बंद करनी भी आती है। मेरे मुंह न लगना, दो मिनट में लंगा कर दूंगा।
तुम्हारा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्या है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। ज्यादा बकवास की तो अंदर करवा दूंगा। अच्छी बात है चुनीलाल जी, देखते हैं आप हमें अंदर कराते हैं या हम आपकी जबान हमेशा के लिए बंद करते हैं। अबे जा चोर कहीं के, तू मेरी जबान क्या बंद करेगा। तेरे पैर लकड़ी के बने हैं क्या? जी नहीं सर जी। तो फिर क्या ये जमीन शीशे की बनी है? जी नहीं सर जी। तो फिर क्या ये डर है कि अच्छा नाचेगी तो तुझे कोई चुरा ले जाएगा? जी नहीं सर जी। ये भी नहीं सेठ जी, वो भी नहीं सेठ जी, तो फिर ठीक तरह से नाचती क्यों नहीं? बांस से कपड़ा बांध कर जिस तरह हिलाते हैं उस तरह हिल रही है। देख ये कैसे नाचती है। नमस्ते। नाचो, बजाओ जी। कोई मिलने आया है? औरत है या मर्द? मर्द। जाओ देखा इसे कहते हैं ना, लोगों को नशा चाहिए नशा, समझी? ऐसे ही कोई चौने निकाल के नहीं दे देता है। बताओ जी। नाचो। अरे अजीत अंकल आप हैं? मैं तो हूँ, मगर तुम्हें क्या करने आए हो?
ओ, बात यह है अंकल कि वो किसी चक्कर में तो नहीं हो? नहीं अंकल, कोई चक्कर नहीं है। बात यह है कि बड़े भाई साहब ने सरोज को खामखा निकाल दिया था, तो मैं उसे मनाने आया हूँ। कि सरोज कौन है? सरोज, सरोज को आप नहीं जानते? वो जो नीना की जगह काम करने आई थी। मेरा ख्याल सही निकला तो तुम हो चक्कर में? नहीं अंकल, ऐसी तो अंदर आओ, घर में आओ। अंकल मैं इस वक्त जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैंने घर तो देख लिया, मैं फिर किसी को बता दूँ। अच्छा नमस्ते।
कहना खाबों के पंजरे में न रहना आएंगे सजन तेरे आएंगे जागते रहना श्यामू बोल रहा हूँ भाई जी की तबीयत एकाएक खराब हो गई आप फौरन घर चले आइए मैं भी आता हूँ वो आदमी उनमें तो नहीं चलिए चलिए लीजिए पहचानिए इनमें वो आदमी तो नहीं जिसे आपने चुनीलाल का खून करते देखा था नहीं एक बार फिर देख लीजिए
मैं खूनी को अच्छी तरह पहचानती हूँ, वो इनमें नहीं। आइए। जी मैंने उस लड़की को देख लिया है। अच्छी तरह देख लिया है? बहुत अच्छी तरह देख लिया है। इस लड़की के अलावा मुझे और किसी ने नहीं देखा। ये मैं जानता हूँ। और क्या जानते हो? यही कि जब तक वो लड़की जिंदा है आपकी जान के लिए खतरा है। तो ये खतरा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। छह घंटे के बाद। अच्छा ये गाड़ी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है वो कहाँ जाएगी? रायपुर। मुझे रायपुर का ये टिकट दे दीजिए।
मैंने कमाल कर दिया है। कहा एक घंटा पहले यही पहुंचने की कहा था, अब गाड़ी छूटने का वक्त हो गया और खुद नहर हो गई। ठीक कह रहे हो यार, ऐसे घर में जलता था ये भरकर ही आते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। काश मुझे कोई दूसरी लड़की मिल जाती, मैं उसे रजनी भाई बनाकर ले जाता। बिल्कुल सोना ना, ठीक कह रहे हो। डिब्बे में सफर कर रही हो, जो पिछले स्टेशन पर रह गई वो कोई गाने वाली थी जो किसी की शादी में जा रही थी। तुम अकेली हो, फोन तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, हो सकता है इस वक्त भी पीछा कर रहा हो। अगले स्टेशन पर जो लोग उसे लेने आएंगे वो तुम्हें जरूर गाने वाले समझेंगे। तुम उनके साथ क्यों नहीं चली जाती? खतरे से बचने का यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है। कहाँ है दूसरे साथी? अजी वही आपका तबलिया, सारंगिया और बाकी तामझाम। वो तो वही रह गए। अच्छा, आपका मतलब है गाड़ी छूट गई? हाँ चलो आप तो आ गई, आपका दम सलामत है तो साजिंदे बहुत मिल जाएंगे। अब तो आइए आइए। आइए चलिए।
मेरी सरकार, आप घबराती क्यों हैं? घर पहुंचना है ना, मैं अभी बंदोबस्त करता हूं। अगर कार न मिली तो मैं अपने कंधे पर बिठा के आपको स्टेशन छोड़ाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल सुबह की गाड़ी से जाना चाहती हूँ। ट्रेन तो कल शाम को भी जाएगी। मैं बता नहीं सकती किस उलझन में हूँ। मैं समझ गया, कहीं हुजूर का दिल लगा हुआ है। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। समझा था कि हो गया, मगर मैंने जरा जल्दबाजी से काम लिया। वो कहां है? मालूम नहीं। देखो अजीत शहर में है, वो उसकी तलाश में निकलेगा, तुम अजीत का पीछा करो। बहुत अच्छा। जो कुछ किया था उसके भले के लिए किया था। मैं तो ये समझता था कि मामूली सी बात, उसे सरोज से शादी करनी थी, वो मुझसे कहता। मुझसे कहता? आपके सामने कभी उसने कुछ कहा? लड़की को निकालने से पहले खुद सोचना चाहिए था, और आपने जो कभी किसी से कुछ पूछते ही नहीं। किससे पूछूं, क्या पूछूं? नागपुर से खबर आई है कि चुनीलाल का खून हो गया और वो लड़की भी वहां से चली गई। आपकी बात पहचान है, पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। सब कुछ कर चुका हूं। भगवान जाने इस वक्त मैं कहां,
अब किस हाल में होगा? आपके पास उनका पता तो होगा? जी हाँ होगा। ये रहा। आप कौन होते हैं सरोज के? जी मैं उनका मंगेतर होता हूँ। मैं सेठ रंजीत राय का छोटा भाई। कौन रंजीत राय? जिनके यहाँ थिएटर में काम करने के लिए सरोज गई थी। मेरा नाम अजीत है। आइए आइए बैठो। कैसी तकलीफ की? सरोज ने कुछ फैलवा भेजा है? तो क्या सरोज यहाँ नहीं आई? क्या उसने थिएटर छोड़ दिया? थिएटर तो नहीं छोड़ा, लेकिन आजकल वो हमारे थिएटर में नहीं है। नहीं? भाई साहब ने उन्हें अपने एक दोस्त के थिएटर में नागपुर उन्हें भिजवा दिया था। बात क्या है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बताइए क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ है मेरी सरोज? घबराइए मत, हुआ कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपको सब कुछ बता देता हूँ, आप जरा सब्र से काम लीजिए। जिस तरह इस वक्त आप परेशान हैं, उसी तरह सरोज के लिए मैं भी परेशान हूँ। लीला बाई शर्मा, कलकत्ते से आपका खत है। पढ़िए ना, शायद सरोज का। माता जी नमस्ते। आपको पढ़कर ताज्जुब होगा कि मैं ये खत आपको कलकत्ते से लिख रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक थिएटर में नौकरी मिल गई और मैं खैरियत से हूँ, और हर वक्त मुझे आप लोगों की चिंता लगी रहती है। जैसे ही मुझे जरा सी फुर्सत मिलेगी मैं आपको तफसील से खत लिखूंगी। मेरी तरफ से नन्ही को बहुत बहुत प्यार, आपकी बेटी सरोज। लेकिन इसमें किसी थिएटर का नाम और पता नहीं लिखा। मगर वो कलकत्ते कैसे पहुँच गई? नागपुर क्यों छोड़ दिया? ये एक लंबी कहानी है, मैं कलकत्ते जाकर आपको तफसील से खत लिख दूंगा और सरोज की खैरियत की इत्तला भी दे दूंगा। अच्छा अभी इजाजत दीजिए, नमस्ते। मैं बैठ सकता हूँ? जरूर बैठिए। मेरा ख्याल है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे कहाँ? आप रंजीत राय के छोटे भाई तो नहीं? जी हाँ, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ। खूब पहचाना आपने। बॉय दो चाय और कुछ खाने के लिए लेके आओगे? यहाँ कैसे आना हुआ? एक जरूरी काम से चला है। कहाँ ठहरे? अभी तो कहीं नहीं, सुबह की गाड़ी से आया हूँ, शाम को चला जाऊंगा। शाम को चले जाएंगे? कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता जा रहे हैं। हुजूर आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़ है। मैंने अर्ज किया आदाब अर्ज़ है। जी मैंने भी अर्ज किया कि आदाब अर्ज़ है। कहिए क्या हीरो बनने के लिए तशरीफ लाए हैं? जी नहीं। तो
तो क्या फिर मेरी गिरफ्तारी का वारंट लाए हैं? ऐसी भी कोई बात नहीं है किबला, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। मैं खामखा नाराज हो रहा हूँ? या मेरा दिमाग खराब हो गया है या मुझे माली खौलिया की बीमारी है? अरे हुजूर कुछ मेरी भी तो सुनिए। अब मैं आपकी सुनूं या अपनी अपनी लिखूं? ख्यालात का एक सिलसिला दिमाग में चला रहा था, आपने आकर सब गलत कर दिया। कभी दिमाग से काम लिया है? जानते हो कि अदब क्या है? कहानियां लिखने में किस कदर मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो आप स्टोरी राइटर भी हैं? जी हाँ, मैं अदीब भी हूँ। आपका शुभ नाम? मुंशी मुनक्का। ओह, मुंशी मुनक्का, आप ही हैं मुंशी मुनक्का? अरे साहब, आपका तो बड़ा नाम है, आज तक कानों ने सुना था, अब आंखों ने भी देखा। सचमुच सब लोग हमें जानते हैं, वाकई हम इतने मशहूर हैं। अरे हुजूर, मैं तो आप ही से मिलने आया था। क्या कहने आपके? ये आप क्या पियेंगे, चाय या शरबत? शरबत ही पिला दीजिए। अरे ओ गगनफार, आए हुजूर। आपके लिए एक गिलास शरबत ला। बहुत अच्छा, नीलो फर लाना। आप कुछ नहीं पियेंगे? जी मैं ये हुक्का पी लूंगा। अच्छा, आपके थिएटर में तो बहुत सी लड़कियां होंगी। क्यों? यूं ही पूछ रहा था। क्यों? असल में मैं ये मालूम करना चाहता था कि आपके यहाँ कोई सरोज नाम की लड़की है? बिल्कुल नहीं, इस नाम की कोई लड़की नहीं। आपको यकीन है कि इस नाम की कोई लड़की नहीं? आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं या इस नाम की किसी लड़की से? बात दरअसल ये थी कि मैं बात दरअसल ये है कि मैं समझ गया आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आप जा सकते हैं, जाइए जाइए। गगन फल शरबत मत लाना। रिहर्सल में ये कमाल किया है तो स्टेज पर तो आप कयामत ही बर्पा कर देंगे। आपकी खिदमत में इस थिएटर का पुराना कमीशन। मुबारकबाद मुबारकबाद। मुंशी जी ने क्या सिखाया था? पेश करता। आस्ते बोलना, पेश करता। शुक्रिया। मेरा नाम है पीटर, मिस्टर पीटर। पीटर। और आपका? मेरा नाम मेरी डिसोजा। मेरी? देन सॉरी, डिसोजा, यानी आप क्रिश्चियन है? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। देखिए ना, आजकल ड्रामे के आर्ट में क्रिश्चियनों ने बहुत तरक्की की। मुंशी जी का कोई डायलॉग नहीं बोलना है, तुम घर जा सकती हो। देखिए ना, मैं अभी कितनी क्लीन हिंदुस्तानी बोल रहा था। जी जी, जी। आप कैथोलिक है? प्रोटेस्टेंट। मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, बड़ी खुशी हुई। चलते हैं। आगे बढ़िए। मैंने कहा हुजूर आदाबर थे। आदाबर थे जी हाँ, बहुत उम्दा है जी हाँ, बड़ी नवाजिश है जी हाँ। कहिए साहिबजादे, मिजाज मुकद्दस। दुआ इनायत करम नवाजिश जरा नवाजी बंदा परवरी। मिर्जा जी, ये आपकी दुकान की साफ सफाई और इन तमाम चीजों को देखकर ये पता चलता है कि आप यहाँ बरसों से कारोबार कर रहे होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, साहिबजादे बड़े जहीन मालूम होते हो। उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में। बात दरअसल ये है साहिबजादे कि नाचीज मिर्जा को पान खाने का इस कदर शौक था, वल्ला इस कदर शौक था कि बस इसी शौक में ये दुकान खुलवा डाली। गोया आम के आम और गुठली के दाम। मेरा ख्याल है कि गालिबन दौलत खाना लखनऊ है। आए हाय आए हाय, क्या याद दिला दिया साहबजादे। फरमाते हैं लखनऊ का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। और साहबजादे वहीं के एक शाही खानदान का मैं कीमती नगीना हूँ। कहिए कौन सी गिलौरी नोश फरमाएंगे? जी एक बनारसी काला पीला सिकीली सुपारी। वाहूब वाहूब, माशाल्लाह आप तो बड़ी समझदार मालूम होती हैं। हाँ तो मिर्जा जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप तो यहाँ के बहुत नामी गिरामी आदमी हैं। अजी वल्लाह, सिर्फ नामी गिरामी? अजी आप तो यहाँ की जितनी एक्ट्रेसें हैं ना, वो मेरी दुकान पर आकर पान नोश फरमाती हैं। माशाल्लाह मुलायजा हो।
लीजिए मिस अनारकली, ये है काला पीला बनारसी सकेली सुपारी। ये लीजिए। बात तो मिर्जा जी, आपकी तो काफी वक्फियत है, आप तो यहाँ की तमाम एक्ट्रेसों को जानते होंगे। अजी जानता हूँगा, माशाल्लाह साहिबजादे, माँ बदौलत मिर्जा साहब किसको नहीं जानते, किसको नहीं पहचानते। वल्लाह कितने शरीर हैं आप साहबजादे। मिर्जा जी, आपसे ये अर्ज करना था कि यहाँ कोई सरोज नाम की लड़की भी है जो थिएटर में काम करती है। सरोज? वल्लाह बा खुदा, कितना प्यारा नाम पाया है इस लड़की ने, लेकिन साहबजादे इस नाम की यहाँ कोई लड़की है ही नहीं। जरा एक पैकेट सिगरेट का बढ़ा दीजिए। बढ़ाइए? अमा बढ़ाइए तो आप ऐसे कहते हैं जैसे ये दुकान आपके चाचाजान की होती है। नहीं है तो हो जाएगी, लेकिन अमा पहले पिछले तीन पैकेट के पैसे ढीले कीजिए। जी हाँ, बड़ी नवाजिश होगी। जी हाँ, नवाजिश तो होती रहेगी, लेकिन मिर्जा साहब आजकल आपका दिल कुछ छोटा होता जा रहा है। नहीं नहीं, बहुत खूब, हमारा दिल छोटा होता जा रहा है या आजकल आपकी जरा जेब तंग होती चली जा रही है? माफ कीजिएगा, आप सोचने वाली बात है। अमा, आप थिएटर के इतने बड़े एक्टर होकर और आपकी जेब हमेशा खाली खुली रहती है। मेरे साहब जरा कंपनी लॉस में जा रही है, समझ गए ना। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपको एक सिगरेट पेश करने की गुस्ताख कर सकता हूं? थैंक्स वेरी मच, थैंक्स वेरी मच, रियली थैंक्स वेरी मच। आदमी आप बड़े मजेदार मालूम होते हैं, क्या आप भी इसी थिएटर में काम करते हैं? आज तक तो कर रहा हूँ, कल का पता नहीं। मिर्जा साहब देखा, अपने चाहने वाले भी हैं। बेटा, कश पे कश उड़ाए जाओ, धुएं पे धुआं छोड़े जाओ। साहिबजादे, ये मसला है जरा दिल का अच्छा, मगर जेब हमेशा खाली रहती है, भूखा रहता है महाकाल का। अरे फिक्र न कीजिए मिर्जा साहब, अच्छा इजाजत दीजिए, बड़ी खुशी हुई आप प्यारे। चलो कुछ खाना वाना खा। किस कमाश के राहत कम वक्त कहीं के, इस होटल में एक चीज कमाल है, खाना बहुत क्लासिक बनता है और नाश्ता तो कमाल बनाते हैं। अरे क्लासिक, कीप द चेंज। हाँ, इतना चेंज, जाओ ले जाओ। देख भाई, पहले पेट पूजा, पीछू काम तू जा, अब बता क्या काम है। क्या कहें उस्ताद, नसीब का चक्कर है, तुम्हारे शहर में मारे मारे फिरते हैं। ओ समझा समझा, हीरो बनने के वास्ते आया था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ। हाँ फिर ठीक है, नहीं तो हमारा तरफ देखो, अपन भी बम्बई से हीरो बनने के लिए कलकत्ता में आया था। अच्छा? लेकिन पहला बड़ा साहब का बर्तन मांझने का नौकरी मिला है, और उसके बाद अपन ड्राइवरी सीखा, अब जाके कहीं स्टेज पर एक्टर बना है। दरअसल बात ये था, समझा, कम पढ़ा लिखा था ना, इसके पहले क्लास की स्कूल की चौपड़ी फाड़ के जो भागा है ना, तो पलट के कौन देखा है? तुम्हारा जवाब नहीं। ये तो ठीक है, जरा सिगरेट सिगरेट ही पियो खाने के बाद तो। ये लो, नया पैकेट कई के वास्ते खुलता है, अपने पास पुराना है ना। थैंक यू। कुछ नर्वस लगता है। ये बता, अब किस फिल्म का हीरोइन पे तुम आशिक हो के इधर आया? ऐसी कोई बात नहीं है उस्ताद, किसी फिल्म की हीरोइन हीरोइन पे आशिक होके नहीं आया। ये तो अपन को पहला मालूम था कि तुम आदमी जरा शरीफ मालूम होता है। चलो अब अपना स्टोरी चालू करो। बात दरअसल ये है कि एक लड़की है। ओ गॉड, तुम्हारा लड़की है? अरे नहीं, हमारा नहीं है, हमारा एक दोस्त है। समझा, तुम उसको भगा के लाया है? हम भगा के नहीं लाए हैं, वो खुद भगाई। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, अकेली है। अरे अरे, ये कैसा हो सकता है, लड़की और वो भी अकेली भाग के? अपन को बोला बोला, किसी दूसरे को मत बोलना, बोलेगा भेजा फिरे लाए। उस्ताद तुम पूरी बात तो सुनो, तुम तो अपनी शुरू हो जाते हो। अच्छा बाबा सुना। हाँ तो उस्ताद, मैं ये कह रहा था कि एक लड़की है, उसका नाम है सरोज, वो यहाँ किसी थिएटर में काम करती है, उसकी मुझे तलाश है, ये ना पूछोगे क्यों? अच्छा बाबा नहीं पूछेगा, अपन ये नाम का कोई भी छोकरी हमारे इधर किसी भी थिएटर में नहीं है। हाँ हमारा थिएटर में एक नया छोकरी जरूर आया है, पर वो तो क्रिश्चियन है, उसका नाम है मेरी डिसोजा। जरूर दिखाओ। हाँ तो फिर आज ही चला तो तुम हमारे साथ चलो ना, हमारे ड्रामे का आज आखिरी शो है, सब लड़कियां उधर ही छोड़ेंगी। लेकिन एक शर्त पे। क्या? मैं भेस बदल के चलूंगा। भाई भाई, बात दरअसल यह है कि अगर उस लड़की ने मुझे देख लिया तो वो पहचान लेगी और भाग जाएगी। भाई भाई, ये ना पूछो उस्ताद, कुछ चक्कर ही ऐसा है। अच्छा बाबा नहीं पूछते, तुम्हारा तो चक्कर बहुत बड़ा है। चल चल। Excuse me, my
यही आपका ठेका? बिल्कुल यही ठेका है। अभी बस इधर खड़ा हो जाओ, काहे को सब छोकरियों के इधर से निकलेगा। हाँ वो देखो आया। बस आपके थिएटर में इतनी लड़कियां, एक छोकरी भी आने वाला है। अच्छा वो आ गया। यही है वो लड़की। अरे क्या बात करता है, तुमने तो नाम बताया था सरोज, ये तो अपना क्रिस्टीन छोकरी है, मेरी डिसोजा। हेलो मिस मैरी। हेलो बेटे। अपना दोस्त से मिलो, सरदार हजारा सिंह। हेलो। मैं क्या जी, सत श्री अकाल। क्या कहा? नमस्ते जी, नमस्ते। ये भाई भी हीरो बनने आया। मैंने हीरो बनने का बहुत शौक है। दादाजी दादाजी दादाजी, ये हमारे थिएटर की हीरोइन मेरी भी सोना। मैंने इंग्लिश नहीं आती जी। पंजाबी नहीं है। कोई गल नहीं जी, तुम हिंदुस्तानी भी गल कर सकते हो साढ़े नाल। नाम तो बदल लिया लेकिन सूरत न बदल सकी। ये वही लड़की है जिसकी मैं इतने दिनों से तलाश में था। सरदार जी एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा घास खा जाए। अरे कोई चांस नहीं। अच्छा एक बार सुन। तुम्हें दूसरों को परेशान करने का कोई हक नहीं। मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माता जी से मिला, वो तुम्हारे लिए कितनी दुखी है। इसकी वजह से पाप है। ये दुरुस्त है कि उसकी वजह मैं थी, लेकिन ये सिर्फ हमारा थिएटर छोड़ने की हद तक, उसके बाद नहीं। उसके बाद क्यों नहीं? इसलिए कि चुनीलाल का थिएटर तुमने उस कातिल की वजह से छोड़ा जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। मुझे एक एक बात का पता चल चुका है सरोज। मैं पुलिस स्टेशन गया था, थिएटर के लोगों से मिला और उस हॉस्टल भी जा चुका हूं जहां तुम ठहरी थी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि चुनीलाल के कत्ल की उस वारदात के बाद तुम अपने घर क्यों नहीं गई, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं घबरा गई थी, समझ में नहीं आता था क्या करूं। मैं आपके भाई साहब से वायदा कर चुकी थी मैं कभी आपसे नहीं मिलूंगी। वो परेशानी अब दूर हो चुकी है सरोज। मैंने भाभी को एक एक चीज बता दी और उन्होंने वादा किया है कि वो भाई साहब को समझा लेंगे। वो सब तो बाद में सोचेंगे, अभी तो मेरे सर पर वो खूनी सवार है। जहां जाती हूँ वो पीछे आता है, मालूम नहीं वो क्यों मेरा पीछा कर रहा है। वो इसलिए पीछा कर रहा है कि उसे खून करते सिवाय तुम्हारे और किसी ने नहीं देखा। उसे डर है कि तुम जब चाहो उसे गिरफ्तार करवा सको। तो बताइए मैं क्या करूं। अब तुम उसे भूल जाओ, अपने और मेरे सिवा सब कुछ भूल जाओ। तुमने इतनी तकलीफें उठाई, तुम इतनी परेशान रही हो कि अब तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं इसी होटल में एक कमरा ले लेता हूं और देखता हूं कि कौन तुम्हारा पीछा करता है। सब कुछ न मिलते हम तो कहो तुम किधर गए होते, न मिलते हम तो कहो तुम किधर गए होते। तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। I'm
अश्क तो मेरी, वो अश्क तो मेरी आंखों में भर गए होते, वो अश्क तो मेरी आंखों में भर गए होते। तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। हमें तो फुर्सत में इसी गम ने मारा, मेरी बहार भटकती फिरेगी आवारा। हमें तो फुर्सत में इसी गम ने मारा, मेरी बहार भटकती फिरेगी आवारा, फिरेगी आवारा। तुम्हारी राह में, तुम्हारी राह में होते जिधर गए होते, तुम्हारी राह में होते जिधर गए होते। न मिलते हम तो कहो तुम किधर गए होते। दीवाने फिर तो कोई, दीवाने फिर तो कोई काम कर गए होते, दीवाने फिर तो कोई काम कर गए होते। तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। मुझे कुछ नहीं हुआ। रंजीत राय का छोटा भाई अजीत राय हर वक्त उसके साथ रहता है, एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। ओ, ये बात है। जी हाँ। तो तुम्हारा ये कांटा तो मैं दूर कर दूंगा। तो फिर आपका भी रास्ता मैं साफ कर दूंगा। क्या है? सलाम साहब, ये चिट्ठी। ओह, अंकल आजकल यहाँ आए हुए हैं। अच्छा देखो, साहब से कहना कि हम आज आके मिलेंगे उनसे। हाँ, सलाम सर। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते जी, आओ बैठो। कैसे हो? ठीक हूँ। अजीत, तुम बड़े नालायक, बगैर कुछ कहे सुने तुम घर चले आए। अंकल कुछ बात ही ऐसी थी। बात जैसी थी वो हम खूब जानते हैं बखुरदार, लेकिन तुम्हें अपने भाभी और भाई को कम से कम खबर तो करनी चाहिए थी। वो तुम्हें अपने बेटे तरह मानते हैं। गलती हो गई अंकल, मैं आज ही उन्हें खत लिख दूंगा। बात हो, हम भी लिखेंगे। और हाँ सुनो, जब तुम्हें मालूम था कि मेरा दफ्तर यहाँ पर है, तुम उसे मिले क्यों नहीं आए? अंकल मुझे ठीक से पता नहीं मालूम था, आज जैसे ही आपकी चिट्ठी मिली मैं फौरन चला आया। हाँ सुनो, किसी जरूरत है? दादा जब भी तुम्हें किसी जरूरत हो, कोई तकल्लुफ नहीं होगा, आप फौरन मेरे पास आएंगे, ठीक है ना? थैंक यू। कब योगा? क्या लिखा है? मेरी प्यारी माता जी, मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। मैं मकान की तलाश कर रही हूँ, उम्मीद है कि जल्द ही मिल जाएगा। आप लोगों के तो भला अजीत साहब से मालूम हो गए, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। वो आप लोगों को नमस्ते लिखवाते हैं। नन्नी से मुलाकात ना होने का उन्हें बहुत अफसोस है। मेरी तरफ से आपको और नन्नी को बहुत बहुत प्यार। आपकी बेटी सरोज। माँ, ये अजीत साहब कौन है? एक है बेटी, बहुत अच्छे आदमी। वो जिस रोज आए थे तुम घर में नहीं। ओ अजीत साहब, मकान तो अच्छा है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मालिक के मकान।
किराया ज्यादा मांगता है। फिर क्या करें? क्या मजबूरन यही लेना पड़ेगा। और फिर वैसे भी मकान साफ सुथरा है, लोकेलिटी भी अच्छी है और तुम्हारे थिएटर के करीब भी। मेरा ख्याल है चलकर मालिक के मकान से बात करें। देखो जरा ये एक बेडरूम और ये हॉल, लेकिन चूंकि जगह थिएटर के करीब है इसलिए। माँ आपको मकान पसंद आया? बहुत अच्छा है बेटे। अच्छा सरोज मैं चलता। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, बैठो ना। एक जरूरी काम है माँ। तुम यहाँ कहाँ रहते हो? मैं एक होटल में रहता हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सरोज को थिएटर ले जाना है, मैं इन्हें कहीं अकेला नहीं जाने देता। क्यों माँ? इनको जाने दो, मैं बताती। अच्छा आइए माँ। क्यों आपका दास? ये भी मालूम होगा कि सरोज पर कातिलाना हमला हो चुका। सरोज पर कातिलाना हमला? नहीं चाहिए, मुझे कभी नहीं मालूम हुआ। ये कब हुआ? सेठ चुनीलाल का खून सरोज के सामने हुआ और कातिल को सरोज ने देख लिया। सब लोगों का ख्याल ये है कि कातिल अब सरोज के पीछे है, वो उसका खून कर देना चाहता है। ये तो सोचने की बात, परेशानी की बात। सुनो अगर तुम चाहो तो मैं आदमी रख तो सरोज के साथ हर वक्त रहे। अंकल आदमी मर्द नहीं है, औरत है, बहुत ही बहादुर औरत है और इस काम के लिए तो खास तौर से मौजूद क्योंकि उसने पुलिस में ट्रेनिंग पाई है। थैंक यू वेरी मच अंकल। ले ले। यस सर। कम मिस्टर अजीत, ये मेरे भतीजे हैं और तुम इनके साथ जाओ और जो भी काम ये तुम्हें बताए वो करो। और ख्याल रहे हमारे पास कोई शिकायत नहीं आया है घर से। तुम अच्छा तुम जाके तबियत कतार देना मेरे को और देना। Thank you very much. I'm sorry. I'll look after him. Yes. Aye. Come in. Nani, zara Saroj ko bhej dena. Acha. Didi, Ajit sahab aaye. Saroj ji se milo. Ye hai Miss Lily. Hi, Ajit. Namaste. बैठिए। नमस्ते माता। तुम आ गए बेटा। दिस इज सरोज मदर। चाय बना लो। मैं लाती हूँ। नहीं आप क्यों? आप बैठो माँ जी, मैं भी चाय बनाती। सरोज मैं लिली को इसलिए तुमसे मिलाने लाया हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। घर से ये टेलीग्राम आया है। तार है बेटी, इनके घर से आया है। बड़े भाई साहब एकाएक बीमार हो गए। क्या बहुत तबीयत खराब है? कुछ पता नहीं माँ जी, लेकिन मेरा घर जाना जरूरी है। हाँ जरूर जाओ अजीत। अजीत बाबू मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घबराने की कोई बात नहीं सरोज, अव्वल तो तुम्हारे पीछे अब कोई नहीं है, दूसरे लिली हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे अंकल ने इन्हें भेजा है, बहुत ही भरोसे की लड़की। सरोज तुम बिल्कुल मत करो, हमको अजीत बाबू ने सब कुछ बोल दिया है। हम उस आदमी को देख लेंगे। मगर तुम जल्दी आ जाना बेटा, सरोज ने मुझे सब बता दिया है। बात खतरे की तो है। खतरे की कोई बात नहीं है माँ जी, आप इत्मीनान रखिए। भाई साहब की तबीयत जरा संभलते ही मैं फौरन वापस आ जाऊंगा और वैसे भी मैंने पीटर से कह दिया है, वो भी घर का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।
किसी नाराज है? मैं आप लोगों से कैसे नाराज हो सकता हूँ भाभी? ये बताइए कि भाई साहब की तबीयत कैसी है? नहीं क्या हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है, थिएटर गए हुए हैं। थिएटर गए? हाँ। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये तार आप लोगों ने नहीं भेजा? हमने तो कोई तार नहीं भेजा, लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? अब समझ में आ गया भाभी, ये सब उस बदमाश की शरारत, सरोज की जान खतरे में है भाभी, सरोज की जान खतरे में। अजीत हेलो, अजीत आया था? जी हाँ, कलकत्ता से आते ही वापस चला गया। वापस चला गया? हाँ, न जाने किस मुश्किल में है। आप जरा टिकट मंगवा दीजिए, मैं भी कलकत्ता जा रही हूँ। आपको फुर्सत ना हो तो मैं अकेली चली जाऊँ। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा, तुम सामान पैक कराओ, मैं भी आता हूँ।
पीटर को आ जाने दो। अरे छोड़ो, मैं पीटर क्या करेगा, बाहर टैक्सी मिलेगा, अपन दोनों जाएगा। मेरे को घर जल्दी जाने का है, कम ऑन। अरे यहाँ तो कोई भी टैक्सी नहीं, वो है टैक्सी। चल तुम नहीं चलो। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम चली जाओ, डरने की कोई बात नहीं, सुबह मिलेंगे। अच्छा जी।
मुझे हादसे का बहुत अफसोस है। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर चला गया था। अभी अभी आया हूँ तो उसे मालूम हुआ। अंकल वो आपकी लिली कहाँ है? लिली बहुत शर्मिंदा है, वो इसलिए नहीं आई। बहरहाल मैंने उसे बुलवाया है, वो अभी आती होगी। और हाँ, इस रोज ने क्या किया? लिली कह रही थी उस कहे बगैर थिएटर के बाहर चली गई। उसने ऐसा क्यों किया? थिएटर के बाहर अकेली चली गई? हाँ, खैर छोड़ो इन बातों को। हालत कैसी? अभी तक बेहोश है अंकल। चलो, यहाँ के कुछ डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, वो हमारी मदद करें, और उनसे मिलना। माता जी आप बैठिए। आप कौन है? ये सरोज की माँ, ये मेरे अंकल। नमस्ते। आप घर आइए, बिल्कुल घर आइए, आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। चलिए प्लीज। तो ये है वो लड़की। घबरा मत, देखो यहाँ पे डॉक्टर सिन्हा है, तुम उनके पास जाओ और मेरा नाम देना, वो फौरन यहाँ चले आएंगे। अच्छी बात। अपने गाड़ी में सब कुछ बचता है। मुझे दूसरा आदमी कौन है? वो डरता गाय कौन? अपन भी तो दो ही, तू उसको पकड़ लेना, मैं इसको खलास कर दूंगा। मैं दांत में रखूंगा पान खाने के लिए। पटना आहिस्ता, कभी कभी अपना ब्रेक लग जाता है, कभी कभी कभी।
न कीजिए माँ जी। ये बताइए सरोज की तबीयत कैसी? अभी अभी तुम्हारे बारे में पूछ रहे। सरोज सरोज जरा आंखें खोल तो बेटी। अरे आंखें खोल के तो देख, तेरे पास ही तो खड़े हैं। वो खून ही पका के और उसका साथी भी। अब जिंदगी भर के लिए तुम्हारा डर खत्म हो गया सरोज। हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी और भाई साहब आए हुए हैं। कहाँ? अजीत ना, 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 नमस्ते जी। ये क्या हरकत है तुम्हारी? ये क्या हुआ? बात यह है कि भाई साहब बेवकूफ, इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे खबर तक नहीं थी। अरे छोड़िए ना, देखते नहीं बेचारे की हालत। तुम्हें आज ही मेरे साथ बंबई चलना होगा। और हाँ सरोज, जब तुम अच्छी हो जाओ तो मेरे पास बंबई चलिए। धन्यवाद, मैं आप दोनों भाइयों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोगों के बंबई पहुँचते ही मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। करो जब तुम्हारी हो। मुबारक हो जी भैया, मुबारक हो बड़े भैया। ओ मुबारक हो। इसका मतलब ये है कि सरोज अब आप हाउस में नहीं, अजीत भैया के हाउस में काम करेगी। न मिलते हम तो कहो तुम किधर गए होते, न मिलते हम तो कहो तुम किधर गए होते। तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।